government excited. The two brothers are over the moon. India winning this game. वही इरफान पठान और यूसुफ पठान ने तो दिल जीतने वाला काम किया। पाकिस्तान को हराकर उन्हीं के सामने दोनों ने भारतीय तिरंगे को लहराकर, दोनों ने तिरंगे को अपने कंधों में ओढ़कर, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। दोनों का ये सेलिब्रेशन देखने लायक था। दोनों के इस सेलिब्रेशन ने दिल जीतने वाला काम किया। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने से देखा ना किस तरीके से यूसुफ पठान इंडिया का झंडा लेकर आया है। ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था। वो कैसे नाच रहे इस वक्त, कैसे इरफान पठान नाच रहे, कैसे वो जश्न मना रहे। इरफान पठान ने जो घटिया किस्म की हरकत की, उसके अलावा भी वो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करता रहता है। टीम जब जीती पाकिस्तान से, जाहिर सी बात है हम सबको अफसोस हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। किसी और प्लेयर ने इस किस्म की हरकत करती हो, आप वहां से आए, आप रात गले मिलके डांस किए जा रहे हो। अब इरफान पठान अगर ट्वीट करे पड़ोसियों संडे कैसा रहा है, तो फिर मिर्चियां तो नहीं लगेंगी, क्योंकि आपने भी तब उसको तंग किया था। तो बनती नहीं है ये, फिर उनका एक बॉक्स दिख रहा है कि अपने अंदर कितना बॉक्स रखे हुए। और इन जैसे लोगों की वैसे नफरतें होती हैं, ये क्योंकि पॉलिटिकली हो चुके हैं। इरफान पठान जैसे लोग ना नफरतें फैलाते हैं बिना वजह की बातें करके। इससे ज्यादा हमारी इंसल्ट हो नहीं सकती। जितनी हमारी इंसल्ट हो गई है ना, आप हो कहां पे, वो खुदा का खौफ करो, हमें अपने आप पे शर्म आ रही है आपकी इस परफॉर्मेंस। यूसुफ पठान की ना ये टूर्नामेंट यूसुफ पठान का सीरीज, बेशक मलिक ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, यूसुफ पठान ने 350 इकट्ठी की है और क्रूशियल। इससे पूछना चाहिए, पूछेगा कौन, बदमाशी लगाई हुई है लोगों ने, ये लोग जो कुछ करते हुए ठीक है। पैसे का घमंड इनको इतना ज्यादा है, हारेगी। याद रखना इरफान पठान, जिस दिन इंडिया की टीम हारी ना, तूने तो सिर्फ गले मिला था, मैं तो डांस करके तुझे बताऊंगा कि जो है वो होता क्या है। ओ पठान को देखो, यूसुफ पठान को, यूसुफ पठान का फिटनेस लेवल देखो, लेकिन उस बंदे में इतनी जान है, वो एक हाथ से भी छक्का मार लेता है। यूसुफ पठान की जो इनिंग्स है ना, उन्होंने भाई साहब टीम इंडिया को फाइनल में भी लेकर आई है और फाइनल भी जितवाया है, जो साफ सी बात है। तो मेरे नजदीक तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगर कोई बनता है ना, तो वो यूसुफ पठान बनता है। नमस्कार दोस्तों, जय दोस्तों। कल भारत WCL के फाइनल जीतने के बाद जिस तरीके से यूसुफ पठान ने तिरंगा लेकर इरफान पठान की तरफ दौड़े हैं और दोनों भाई तिरंगे में लपेटे हुए पवेलियन की तरफ गए हैं, वो जो एक मोमेंट था, वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था इस WCL की लीग का। और जिस तरीके से ये मोमेंट को कैप्चर किया गया, बेहतरीन पल था वो। जो कल ये मैच को लाइव देखा होगा वही जानता होगा कि भाई कैसे दोनों भाइयों ने तिरंगे में लपेटे होकर और जो ये जीत की खुशी में मनाई थी। तो इसको लेकर लेकिन पाकिस्तान के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि ये तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते है ना, ये जैसे मुस्लिम का तशद्दुद होता है, शामी को ग्राउंड में नमाज नहीं पढ़ने देता, तो ये है, ये असल मुस्लिम का चेहरा है। तो भाई वो देश को सबसे आगे रखता है, ना कि अपने रिलीजन को। तो इसको देखकर पाकिस्तान और तनवीर अहमद के पेट में बहुत ज्यादा दर्द। चलिए वीडियो देखते हैं। मैंने दाबो वीडियो गेम पर इरफान पठान ने जो घटिया किस्म की हरकत की, उसके अलावा भी वो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करता रहता है। पेंट कोट तो पहनता है, लेकिन उसकी अकल जो दिमाग में नहीं, उसकी अकल घुटनों में मुझे लगता है। और अभी अब टीम जब जीती पाकिस्तान से, जाहिर सी बात है हम सबको अफसोस हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। किसी और प्लेयर ने इस किस्म की हरकत करती हो, आप वहां से आए, आप रात गले मिलके डांस किए जा रहे हो। ये जो तुम्हारा गरूर है, जो तुम्हारा जो घटियापन है, जो तुमने रोज का एक ठेका उठाया हुआ, पता नहीं सुबह तुम्हें नाश्ते से पहले ये इस किस्म की घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें एक बात बोली गई है कि ये तुमने लाजमी शो करना है इंडिया वालों को, जे देखें जी मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूँ, देखें जी मुझे कुछ मत बोलना, देखें जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ रहता हूँ। ये लगता है तुम्हें एक टास्क दिया गया, जिस किस्म की तुम्हें और गौतम गंभीर को, जिस किस्म की तुम लोग जो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करते हो, इसके ऊपर जरूर फाइन होना चाहिए। इससे पूछना चाहिए, पूछेगा कौन, बदमाशी लगाई हुई है लोगों ने, ये लोग जो कुछ करते हुए ठीक है। पैसे का घमंड इनको इतना ज्यादा है, हारेगी। याद रखना इरफान पठान, जिस दिन इंडिया की टीम हारी ना, तूने तो सिर्फ गले मिला था, मैं तो डांस करके तुझे बताऊंगा कि जो है वो होता क्या है। यूसुफ पठान ने तो इस किस्म की हरकत नहीं की, हमारे दिल में तो ये कभी भी चीजें नहीं आई। जो इरफान पठान जो घटिया किस्म की हरकत करता है, आपकी जो रहन सहन है, इससे ये आपकी तरबियत ये पता चलती है कि आप किस किस्म के। किसी और टीम के खिलाफ करना, फिर तुझे पता चलेगा, क्योंकि तुम्हें लगता है एक टास्क दिया गया है कि भाई तुमने इस तरह करना है, जब पाकिस्तान हारेगा तुमने इस किस्म की घटिया हरकत करनी है। क्रिकेट तो तूने मेरे से ज़्यादा खेली, मैं नेचर वाइज बात कर रहा हूँ कि पता नहीं खैर तुमने क्रिकेट कैसे खेल ली है। जितनी स्पीड, जितनी तेरी गेंद की स्पीड थी ना, कसम से कोई क्लब क्रिकेट भी तुझे ना खिलाए। किस्मत में रुसवाई लिखी हो ना, फिर आप कुछ भी कर लो, आपकी जिंदगी में रोना लिखा है तो आपने रोना ही रोना है। वो टीम जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रही थी, वो टीम जिसने भारत को पहले मैच के अंदर हरा दिया था, इससे बेहतर पहला मैच भी हार जाते ताकि हमसे इनसे कोई उम्मीद ही ना लगाते हम इनसे। बुजदिल ना हो तो इतने बुजदिल हंसते नहीं है।
करोड़ों अवाम इनको देख रही है, पूरा पाकिस्तान इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि चलो वर्ल्ड कप तो गया, एटलीस्ट इंडिया को फाइनल हरा के हमें ये तो ट्रॉफी दिलवा दो, हमें इतनी सी तो खुशी दे दो। जाते ही ना हार जाते, सेमीफाइनल हार जाते, ग्रुप स्टेजेस के अंदर हार जाते, अब वो कैसे नाच रहे हैं इस वक्त, कैसे इरफान पठान नाच रहे हैं, कैसे वो जश्न मना रहे हैं। हमारी तो जिसको कहते हैं किस्मत ही खराब है कि हमें ये टीम मिल गई, इस टीम से उम्मीदें लगाने पड़ गई है। ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने से देखा ना किस तरीके से यूसुफ पठान इंडिया का झंडा लेकर आया है, ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था। ये वर्ल्ड कप के इक्वल चीज थी और वो ट्रॉफी जीत गए हैं। 20 दिन के अंदर दूसरी ट्रॉफी भारत लेके चला गया T20 फॉर्मेट की। उनके बुढ़े प्लेयर्स भी हमसे पूरी दुनिया से बेहतर है। उनके अनफिट प्लेयर्स ने हमारे प्लेयर्स के मुंह के ऊपर ना मैं क्या बोलूं इनको। वो पठान को देखो, यूसुफ पठान को, यूसुफ पठान का फिटनेस लेवल देखो, लेकिन उस बंदे में इतनी जान है वो एक हाथ से भी छक्का मार लेता है। इनमें तो जाने भी नहीं है। यूसुफ पठान को देखो किस तरीके से उसने छक्के मारे हैं, कहां-कहां उसने छक्के मारे हैं। वो कौन सी क्रिकेट खेल रहा था, वो तो अपने घर में बैठा हुआ था, घर से वो आया, उसने क्या मैच करवाया है, लगातार पिछले 3 मैचेस से उसने 50 मारे हैं। भारत को जितवाने के अंदर यूसुफ पठान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया फाइनल में ना होता लेकिन उसने फाइनल के अंदर पहुंचाया। कुछ सीखो। हमने जीतना था, नहीं जीत सके, यही हुआ है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में हमारे साथ। अबे हम जीतना अब छोड़ो, अब सोचे ही ना करो जीतने का, वो ये ना पाकिस्तान yes, come on! ये अब करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना ये उल्टा पड़ता है भैया हमने। इधर एंड पर आकर इंडिया जो के सेमीफाइनल में मसा मारकर पहुंचा था रन रेट की बेस के ऊपर, वो कप उठा कर ले गया है। यू भी तेरा क्या करूं मैं। इंडिया ने ना ऑनेस्टली मैंने मैच देखा, बॉलिंग, फील्डिंग और उसके बाद बैटिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान की टीम को हराया। तीनों डिपार्टमेंट्स में यूनुस खान, इरफान पठान ने बोल्ड कर दिया, इन स्विंगर मारा अक्रॉस द बैट खेलने की कोशिश की, वो बोल्ड यूनुस भाई, इरफान पठान ने हरभजन सिंह की जगह पर किया और इरफान पठान ने 3 ओवरों में सिर्फ 12 रन दिए। ये डिसीजन आप चेक करें युवराज सिंह का। युवराज सिंह ने भाई साहब आज जिसे कहते हैं बेहतरीन उसके डिसीजन थे, बेहतरीन जिसको कहते हैं, हर लिहाज से उसके डिसीजन आउट क्लास थे। मैच को ना पाकिस्तान के फेवर में आने से बचाने वाली जो इनिंग्स है ना वो यूसुफ पठान की है, 30 किए 16 गेंदों के ऊपर और ये बहुत क्रूशल 30 थे। 3 छक्के लगाए, 1 चौका लगाया। ये जो 30 रन है ना, ये अगर पाकिस्तान किसी तरीके से बचा लेता, पाकिस्तान मैच अपनी ग्रिप में कर लेता। यकीन करें पाकिस्तान ने मैच अपनी ग्रिप में कर लेना था अगर ये 30 रन पाकिस्तान किसी तरीके से बचा लेता, नहीं बचा सका। यूसुफ पठान की ना ये टूर्नामेंट यूसुफ पठान का सीरीज, बेशक मलिक ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, यूसुफ पठान ने 350 इकट्ठी की हैं और क्रूशल। तो यूसुफ पठान की जो इनिंग्स है ना उन्होंने भाई साहब टीम इंडिया को फाइनल में भी लेकर आई हैं और फाइनल भी जितवाया है, जो साफ सी बात है। तो मेरे नज़दीक तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगर कोई बनता है ना तो वो यूसुफ पठान बनता है। मेरा दिल टूट गया यार, बस एक कप हमें भी जीत लेने देते तो क्या ही जाता, बुढ़ापे में तो कुछ किसी के हाथ लग लेने देते। ज़ालिम लोग हैं यार ये, मैं इनसे नाराज हूँ यार बस। हमारी किस्मत में ना इंडिया से हारना लिखा हुआ है। ये जो हम ग्रुप मैच में इंडिया को जिस टाइम हमने हराया था तो बड़े पाकिस्तानी उछल रहे थे, ग्रुप मैच में हरा लिया ठीक है, फाइनल कौन जीता है। मतलब आप अंदाजा लगाओ इंडिया ने आपको दो तरह से पेला है, दो तरह से वो आपको पेल के गए हैं। शर्म कर लो, यकीन कर लो, 2007 में भी यही टीम थी जिस टीम ने आपको पेला था और 2024 में भी यही टीम है जिस टीम ने आपको पेला है। अब इरफान पठान अगर ट्वीट करे कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा है तो फिर मिर्चियां तो नहीं लगेंगी, क्योंकि आपने भी तब उसको तंग किया था, आपने भी उसको तंग किया था ना। आज इंडिया की टीम ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, मतलब आप इरफान पठान या मतलब आप यूसुफ पठान की बात कर लो, मुझे वो 2010 वाला यूसुफ पठान लगा है जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देता होता था, ये मुझे वो यूसुफ पठान लगा है। पेल के रख दिया यार यूसुफ पठान ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बैटिंग किया यूसुफ पठान ने। ये सुबह उछल रहे थे बैठ के कि वो जी इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, मतलब चीटिंग करने के बाद भी आप लोग नहीं जीत पाए, अंदाजा लगा लो। चीटिंग के बाद भी इंडिया ने आपको हरा दिया, वो किधर गया वो आपका शाहिद अफरीदी, किधर गया वो वहाब रियाज, इस वहाब रियाज ने आज भी मार खा लिया। मतलब वो कहता ना कि बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो आप कहते हैं ना कि सुअर को कभी आप अच्छे खाना नहीं दे सकते, वो जाकर वही गंदगी में ही पड़ा रहेगा, वो वैसे ही तनवीर अहमद ही है। जितना भी आप अच्छा काम कर लो तनवीर अहमद को बुरा लगेगा ही लगेगा, उसके मुंह से हमेशा बदबू और जो निकलता है वही निकलता रहेगा। और जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं कि भाई देखिए वो यूसुफ पठान कैसे तिरंगा लेकर आ रहा है, वो अरे भाई
क्यों तिरंगा वो नहीं ले सकता, क्या वो क्या इंडियन नहीं है, वो क्या मतलब पाकिस्तानी है? नहीं, तुम्हारे अंदर ये सोच है कि मुस्लिम तिरंगा नहीं उठा सकता, तो भाई क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम है उसका सबसे बड़ा धर्म है अपने देश का धर्म, वो ये नहीं पालता, अपने धर्म वो पीछे रखता है, पहले देश के बारे में सोचता है। इसीलिए तो यूसुफ पठान ने कल जब जीता तो तिरंगा लेकर अपने साथ आ लिया और इरफान पठान को अपने गले लगाए तिरंगा के साथ, तो दोनों भाई तिरंगा में लपेटे हुए तो मतलब बाहर गए। तो इसको इससे तुम नहीं जान पाए और इसके ऊपर तुम बातें कर रहे हो, प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि देखिए ये किसे घटिया हरकत कर रहे हैं। मतलब अगर कोई अपने मुल्क की झंडा लेकर जाए तो वो घटिया हरकत हो जाता है, तो कल अगर कोई पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के झंडा लेकर जाए तो हम भी कह सकते हैं। तो इस तरीके का मतलब थर्ड ग्रेड प्रोपेगेंडा चलाने से पहले एक दो बार सोचना चाहिए तुम कि बोल क्या रहे हो। मदरसा में इतना भी मत घुस जाओ कि दुनिया की रियलिटी ही भूल जाओ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, तनवीर अहमद को अच्छे से फैलिए कमेंट सेक्शन में। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।